नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, बोले चीन के नाम पर डर फैला रहे राहुल गांधी। ये आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी के बयान के बाद सियासी पारा बढ़ गया है। बीजेपी नेता एक एक कर राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर चीन के नाम पर डर फैलाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही हैरानी जताते हुए उन्होंने कहा कि क्या विपक्षी नेताओं का सशस्त्र बलों से भरोसा उठ गया है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि चीनी हमारे सैनिकों को पीट रहे थे। राहुल गांधी के इसी बयान के बाद बीजेपी उन पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चीनियों के साथ में सूप पीने में व्यस्त थे, जब डोकलाम में भारतीय सैनिक चीनी जवानों से लड़ रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन लोगों की आदत है चीन के नाम पर डर फैलाना, लेकिन ये 1962 का भारत नहीं बल्कि ये 2014 का भारत है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, बोले सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर भी राहुल गांधी ने मांगे थे सबूत। ये आपको बता दें कि पूर्व केंद्र मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के सेना पर दिए गए बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने उरी और बालाकोट में सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे थे। अब एक बार फिर उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बात कही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी सेना से सबूत मांगते हैं। सेना के उच्चाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि चीन की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, भारत की सेना ने प्रभावी जवाब दिया है। ये राहुल गांधी वही हैं जिन्होंने उरी और बालाकोट में भी सेना से सबूत मांगे थे। सेना के साहस को कमजोर करना बंद करें, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत बहुत मजबूत है और भारत की सीमाएं पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, बोले चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, सेना का मनोबल तोड़ने वाला दे रहे बयान। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। भाजपा प्रमुख ने कहा कि उनके बयान की जितनी आलोचना की जाए वो कम है, उनका बयान सेना के मनोबल को तोड़ने वाला है। तवांग में ताजा घटनाक्रम के बाद कांग्रेस नेता ने बयान दिया है कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक भारतीय सेना के जवानों की पिटाई कर रहे हैं। बयान को लेकर भाजपा प्रमुख ने कहा कि यह उनकी देशभक्ति को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाया था, यह उनके मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने भारत चीन झड़प को लेकर पीएम मोदी पर एक बार फिर से बोला बड़ा हमला, कहा देश को भरोसे में क्यों नहीं ले रहे पीएम मोदी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प की घटना की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा है और सवाल किया है कि वो इस विषय पर संसद में चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे और देश को भरोसे में क्यों नहीं ले रहे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का ये राजनीतिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस मुद्दे से जुड़े सवालों पर अपने मन की बात करें। उन्होंने यह बयान उस वक्त दिया है जब बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों की पिटाई करने संबंधी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर लगातार हमले कर रही है। बीजेपी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी को फौरन पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, बोले राहुल गांधी का बयान शर्मनाक है, सेना के जवानों से माफी मांगे राहुल गांधी। ये आपको बता दें कि तवांग में सेना को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को शर्मनाक बताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें देश की जनता और बहादुर जवानों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके बयान की कड़ी निंदा करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश में दुनिया इस बात को कह रही है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को नाकाम किया है। ऐसे में भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य व पराक्रम का सम्मान करने के बजाय कटघरे में खड़ा करना कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए राहुल गांधी तुरंत माफी मांगे। अगली बड़ी खबर, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, बोले मैं सेना से कहूंगा कि भारत के दुश्मनों से आप निपटो और अंदर के दुश्मनों से हम निपट लेंगे। ये आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्षी नेताओं के तवांग में भारतीय सेना की चीनी सैनिकों से हुई झड़प पर दिए जा रहे बयानों पर पलटवार करते हुए हमला बोला है। अनिल विज ने कहा कि इस घटना के बाद तो चीन की तरफ से भी एक भी बयान नहीं आया है, लेकिन चीन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हिंदुस्तान में बैठे हैं सिर्फ उन्हीं के बयान आ रहे हैं, इसीलिए मैं तो सेना से कहूंगा
कि आप लोग बॉर्डर पार दुश्मनों से वहां निपटो और बॉर्डर के अंदर के दुश्मनों से हम निपट लेंगे। भारत और चीन की सेना की हुई भिड़ंत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और हमारी सरकार इसे स्वीकार ही नहीं कर रही। राहुल गांधी के इस बयान पर अलिन बिज ने कहा कि हमारी सेना चीनी सेना के सामने डटकर खड़ी है, हमारे सैनिकों ने चीन की सेना को खदेड़ दिया है, लेकिन हिंदुस्तान का विपक्ष इस बात को बार बार लोगों के सामने उठा रहा है। मैं सेना से कहना चाहूंगा कि बॉर्डर पार के दुश्मनों से आप निपटो और बॉर्डर के अंदर के दुश्मनों से हम निपट लेंगे। अगली बड़ी खबर, हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले भारत जोड़ो यात्रा से नर्वस है बीजेपी, राहुल गांधी का बयान देश विरोधी नहीं है। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी जबरदस्त हमलावर है। राहुल गांधी ने जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दावा किया था कि चीन भारत की सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत सरकार सोई हुई है। उन्होंने कहा था कि सरकार इस खतरे को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीनी जवानों के बीच में हाल ही में हुई झड़प के मामले में उन्होंने कहा था कि क्षेत्र में भारतीय जवानों को पीटा जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। भारत चीन तनाव को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अब बीजेपी हमलावर है। अब राहुल गांधी का बचाव करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर हमला बोला है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी नर्वस है, अगर हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाया गया और अगर राहुल गांधी ने ऐसा कहा है तो यह देश विरोधी बयान नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बात एक ऐसे व्यक्ति ने कही है जिसके परिवार के सदस्यों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नर्वस है, इसीलिए उल्टे सीधे बयान दे रही है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के खिलाफ बिलावल भुट्टो की टिप्पणी पर देश भर में प्रदर्शन, भारतीय जनता की मांग माफी मांगे पाकिस्तान। यह आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के खिलाफ शनिवार को भाजपा ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के राजकोट में प्रदर्शन किया और इस्लामाबाद से माफी मांगने को कहा। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता राजकोट के जिला पंचायत चौक पर जमा हुए और बिलावल भुट्टो के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने मांग करते हुए कहा कि पाकिस्तान को पीएम मोदी पर अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। भाजपा की राजकोट इकाई के अध्यक्ष कमलेश मिरानी ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जा सकता, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मिरानी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा दिए गए बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। गुजरात के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को पुणे में भी प्रदर्शन किया। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, पार्टी के कई विधायकों और अन्य नेताओं ने सुबह चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने पाकिस्तान के झंडे जलाए और पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगाए। वावन कुले ने कहा कि हम अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों में से हैं जो हमारे हिंदू धर्म को बचाने के लिए कड़ा प्रयास कर रहे हैं और पाकिस्तान ये नहीं देख पाता, इसीलिए वे ऐसे बयान दे रहे हैं। भविष्य में हम पाकिस्तान की ओर से ऐसी टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर, बिलावल भुट्टो के खिलाफ पूरे भारत में आक्रोश, लखनऊ समेत यूपी के सभी जिलों में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। यह आपको बता दें कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के शर्मनाक बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया गया। राजधानी लखनऊ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पार्टी मुख्यालय से अटल चौक तक विरोध मार्च निकालकर बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला स्तर पर भी जोरदार प्रदर्शन करा, पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान का विरोध करते हुए पुतला दहन किया। विरोध प्रदर्शन में पार्टी पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला, कहा 2025 का इंतजार क्यों, तेजस्वी यादव को आज ही मुख्यमंत्री बना दे नीतीश कुमार। ये आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार आज और अभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें, 2025 का इंतजार क्यों करना है। प्रशांत किशोर ने कहा कि महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो अगले 3 साल तक उन्हें काम करने का मौका मिल जाएगा, फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता उनके काम को कर फैसला ले लेगी। बिहार में जनसुराज पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने शिवहर जिले में मीडिया से बातचीत में शनिवार को यह बात कही। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चुनने के लिए 2025 का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार में अभी जो गठबंधन सत्ता में है उसमें तेजस्वी यादव की आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़कर उन्हें मुख्यमंत्री अभी मुख्यमंत्री बना दें, तेजस्वी यादव 3 साल तक काम करेंगे और बिहार की जनता उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर
द्वारा 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें वोट कर सकेगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में जहरीली शराब का तांडव, मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 82, 29 लोगों की चली गई आंखों की रोशनी। यह आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। सबसे ज्यादा छपरा जिले में बीते 5 दिनों के भीतर 75 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा सीवान में 5 और बेगूसराय में 2 लोगों की जान चली गई। शनिवार को छपरा के इसुआपुर और दरियापुर में एक एक और शख्स की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। दरियापुर के युवक ने निकाय चुनाव प्रचार के भोज में शराब पी थी। के एसपी संतोष कुमार ने शराब कांड में लापरवाही बरतने के मामले में इसुआपुर के थानेदार, चौकीदार, दफादार और मसरक के चौकीदार को सस्पेंड कर दिया। इस मामले में गठित एसआईटी को भी बड़ी कामयाबी मिली है। शराब माफिया अनिल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजनेताओं से उसके तार जुड़ने की खबर है। आपको बता दें कि माफिया अनिल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अब तक एसआईटी ने छापेमारी कर 8 लोगों को दबोचा है। एसआईटी ने 20 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। अब तक 240 लोग जिले भर से गिरफ्तार किए गए हैं। छपरा और पटना स्थित अस्पताल में 35 लोगों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में भर्ती लगभग 29 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला। कहा जहरीली शराब से मौतों के आंकड़े छिपा रही नीतीश सरकार, जबरन जला रही सब। ये आपको बता दें कि बीजेपी ने नीतीश सरकार पर बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला जारी है, लेकिन नीतीश कुमार का प्रशासन आंकड़ों को छिपाने में लगा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी आरोप लगाया कि मृतकों की लाशों को जबरन जलाया जा रहा है। अस्पतालों में भी आज ठीक से नहीं चल रहा, नहीं तो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि लोग गरीब और दलितों को मरते देख रहे हैं। हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बिहार में दारू की होम डिलीवरी हो रही है, हम उसके खिलाफ हैं। शहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि बिहार में पुलिस शराब माफियाओं से मिली हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में शराब माफिया एक्टिव हैं। पुलिस और सत्ताधारी पार्टियां उनके गठजोड़ करके अपना फायदा उठा रही हैं। इस कारण शराबबंदी के बावजूद दारू की घर घर होम डिलीवरी हो रही है। दूसरी ओर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी नीतीश सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में उचित व्यवस्था नहीं होने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अगर सही इलाज मिल जाता तो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। उन्होंने पुलिस द्वारा मृतकों के परिजनों को पोस्टमार्टम करवाने से डराने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतकों की लाशों को जबरन जलाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, छपरा में मृतकों के परिजनों से मिले चिराग पासवान, बोले बिहार में लगे राष्ट्रपति शासन। ये आपको बता दें कि बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने मुलाकात की और शोक संवेदनाएं प्रकट की। इस दौरान वो काफी भावुक हो गए और पीड़ितों को गले से लगा लिया। इस दौरान चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जहरीली शराब से हत्या कराई गई है। नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो नहीं देंगे। मौत का तांडव नीतीश देख रहे। नीतीश को मृतकों के परिजनों को मुआवजा देना चाहिए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले अहंकारी नीतीश का नाश तय, मुख्यमंत्री बनने में मदद करने पर मुझे अफसोस। यह आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने 2014 और 15 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने में मदद की थी। आज वे जहरीली शराब से हुई पर हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पिएगा वो तो मरेगा ही। उन्होंने कहा कि ऐसे अहंकारी व्यक्ति का नाश निश्चित है। अगली बड़ी खबर, जहरीली शराब से मौत पर तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, कहा भाजपा शासित राज्यों से आ रही शराब। यह आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार में शराब की आपूर्ति को लेकर भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों से बिहार में शराब की खेप पहुंच रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शराबबंदी विफल करने की ये बड़ी साजिश की जा रही है। बिहार में जहरीली शराब पीने से हो रही मौत के बाद तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने सवाल किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बूझकर ऐसा किया जा रहा है, यह सब बिहार सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश है। भाजपा शराबबंदी को लेकर सिर्फ राजनीति कर रही है। अगली बड़ी खबर, चिराग पासवान ने कर दिया बड़ा दावा, कहा छपरा में शराब पीने से 200 से ज्यादा मौतें, बिना पोस्टमार्टम हो रहा अंतिम संस्कार। ये आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब से मौत होने का मामला ज्यादा गर्मा गया। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो और सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सच को दबाया जा रहा है और बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार पर दबाव बनाते हुए कहा जा रहा है कि ये मत कहो कि शराब से मौत है, अन्यथा उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री की चुप्पी भ्रष्ट अधिकारियों का बचाव कर रही है।
अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार को लेकर भाजपा ने कर दी बड़ी मांग, कह डाली बड़ी कड़वी बात। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम बड़े नेता छपरा पहुंचकर जहरीली शराब कांड के पीड़ितों के आंसू पहुंचने में लगे हैं। बिहार में लगातार हो रही मौतों पर भाजपा ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर हमला बोला है। भाजपा ने कहा कि जहरीली शराब से पाकिस्तान नहीं बल्कि बिहार के ही लोग मरे हैं, इसीलिए बिहार सरकार परिजनों को मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देना चाहिए। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने जहरीली शराब कांड में बड़ी मांग करते हुए कहा कि इस मामले पर पुलिस अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी मुकदमा होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में विपक्ष ने किया जोरदार प्रदर्शन, उद्धव ठाकरे बोले दिल्ली तक जाएगा ये संदेश। ये आपको बता दें कि शिवसेना, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मुंबई में एक विशाल हल्ला बोल रैली बुलाई। उद्धव ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के बाद से ये सबसे बड़ा मोर्चा है, इससे दिल्ली को एक बड़ा संदेश जाएगा। ये रैली दिखाती है कि सभी विपक्षी दल महाराष्ट्र के गौरव की रक्षा के लिए एक साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से नफरत करने वालों को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने मार्च में भाग लिया है। हम महाराष्ट्र के महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यपाल की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। राज्य की जनता महाराष्ट्र विरोधी रुख अपनाने वाली पार्टियों को सत्ता से बेदखल कर देगी। अगली बड़ी खबर, अलवर में पठान मूवी का हिंदू संगठनों ने पोस्टर जलाकर जताया विरोध, कहा नंगापन और बेशर्मी नहीं की जाएगी बर्दाश्त। ये आपको बता दें कि अभिनेता शाहरुख खान की पठान मूवी के विरोध में अलवर शहर में हिंदू संगठन मूवी के विरोध में उतर आए। हिंदू संगठनों ने शहर के हृदय स्थल होप सर्कस पर पठान मूवी के पोस्टर जलाकर विरोध जताया और कड़ी चेतावनी दी है कि हिंदू संगठन पूरे देश में इस मूवी को नहीं चलने देंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या इस फिल्म पर रोक लगनी चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।